मेजरमेंट कैसे लगाने करके हम पहले देख लिया। तो इस वीडियो में हमको अगर कैजुअल ब्लाउज 3 डॉट ब्लाउज ले लेंगे तो और क्या मेजरमेंट चेंज करने में क्या आएगा करके डिटेल देखेंगे। तो पहले जो मेजरमेंट हम देने के बाद यहाँ पर आएगा और ये लेफ्ट साइड आप देख सकते हैं, यहाँ पर डार्क ब्लाउज ऑप्शन, कॉमन सिटिंग, मेजरमेंट इन ब्लाउज, मेजरमेंट कस्टमर मेजरमेंट एंड ऊपर जो है बैक, फ्रंट, बेल्ट पट्टी एंड स्लीव, स्लीव टाइप्स। तो सभी ऑप्शन में क्या चेंज करेंगे तो क्या चेंज होगा और क्या करना पड़ता है या क्या कुछ नहीं करना है मैं बताता हूँ अभी। तो अभी फर्स्ट मेजरमेंट क्या है, हमारी डार्क ब्लाउज ऑप्शन में बॉडी आर्म राउंड, टारगेट आर्म राउंड के बारे में यहाँ पर फर्स्ट दिए। तो टारगेट आर्म राउंड और हैंड आर्म राउंड बराबर रहते हैं, उसके हिसाब से 0.75 इंचेस कम करके बॉडी आर्म राउंड मैच करते हैं। तो यहाँ पर जो हम बाहर मेजरमेंट दे रहे हैं, ये जो मेजरमेंट हमने यहाँ पर ट्राई कर रहे हैं वो मेजरमेंट की बिल्कुल क्या आर्म राउंड और फुल शोल्डर रहते हैं इसको चेंज नहीं करना पड़ता है, सिर्फ आपको फ्रंट पॉइंट सेंटर तक एंटर करना पड़ता है। तो उसके बाद एंटर करने के बाद फुल शोल्डर एंड आर्म शोल्डर चेंज नहीं करना है, तो ऑटोमेटिकली हमारी नेक हाइट क्या दिया है उसके हिसाब से हमारे हाफ शोल्डर डिक्लेयर हो जाएगा। तो आप इसमें देख सकते हैं 5.5 इंचेस बैक शोल्डर एंड फ्रंट शोल्डर दिए हैं, तो इसमें आपको डिफरेंस नहीं आएगा। तो उसके हिसाब से ये 5.5 इंचेस शोल्डर के हिसाब से टारगेट आर्म राउंड है, तो टारगेट आर्म राउंड आपको इधर क्या आपको अवेलेबल है उसको चेंज नहीं करना है। तो आपको अगर ये चेंज किया है तो इसमें बॉडी आर्म होल हाइट और स्लीव आर्म विड्थ दोनों से क्रिएट हो जाएगा तो आपको बराबर नहीं आएगा, तो आपको चेंज नहीं करना पड़ता है कस्टमर की कोई मेजरमेंट कम हो तो। अगर ज्यादा हो तो आप ज्यादा दे सकते हैं, अगर ये जो टारगेट आर्म राउंड हमारे सॉफ्टवेयर में जो अवेलेबल आ रहा है उससे नीचे कुछ आया तो आप चेंज नहीं करना है, क्योंकि उनका शोल्डर और उनका आर्म राउंड दोनों एक ही साथ आपको हमारे सॉफ्टवेयर में डिजाइन किया है तो उनका फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर आपको इससे ऊपर जो है आई थे 17.6 आया है हमारे सॉफ्टवेयर में, पर हमारे कस्टमर का जो है वो 18 आना है तो हम 18 चेंज कर सकते हैं। पर अगर हम 18 चेंज करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बॉडी आर्म होल और स्लीव आर्म विड्थ दोनों भी साथ साथ चेंज हो जाएगा, तो आपको देन उसके बाद क्या आएगा आपकी मिडिल हैंड जो है वो बड़ा हो जाएगा। तो आपको पहले जो भी ऑप्शन में सॉफ्टवेयर में अवेलेबल रहता है वो आप वैसे छोड़ सकते हैं। तो ऐसे रहने में आपको मैचिंग करेक्ट हो जाएगा और उनका फिटिंग भी सही हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर अगर कुछ मेरा कस्टमर को मैंने डीप नेक लगा दिया तो आप देख लीजिए, इधर मैं अभी एक डीप नेक का चेंज करता हूँ, डीप नेक 11 इंचेस नेक डीप अगर पूछ रहा है कस्टमर, तो मेरा फुल शोल्डर और आर्म राउंड में मैंने कुछ चेंजेस नहीं किया है, तो डायरेक्ट हमने कैजुअल ब्लाउज सेलेक्ट कर दिया एंड कैजुअल ब्लाउज आपको देख सकते हैं इधर, तो शोल्डर मेजरमेंट चेंज हो जाएगा, उसके हिसाब से हमारा बॉडी आर्म होल एंड आर्म होल विड्थ भी चेंज हो जाएगा। तो ये अगर आपको डीप नेक बनवाना है तो उसके हिसाब से हमारे टारगेट आर्म राउंड को आप बढ़ा सकते हैं। अगर कस्टमर की मेरा वही निकला है तो यही जो मेजरमेंट है हमारी सॉफ्टवेयर में दिख रहा है करके आपको मालूम है, पर डीप नेक की वजह से हम मेजरमेंट में 1 इंच बढ़ाते हैं। तो 1 इंच बढ़ाने में क्या हो जाएगा, अपनी आर्म होल मेजरमेंट पहले जो नॉर्मल नेक की में हमको जो मिला है वो आ जाएगा इधर, ओके। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप देख लीजिए ये बराबर हो जाएगा 1 इंच बढ़ाने में, ओके। तो आपको यहाँ पर आर्म होल भी सेट हो जाएगा, साथ के साथ नेक शोल्डर्स भी सही से बैठेगा, ओके। एंड आपको कुछ यहाँ पर आर्म होल चेंज करना है तो यहाँ पर मत कीजिए, आप करने के समय टारगेट आर्म राउंड पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। तो अगर उसको कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो बॉडी आर्म होल के साथ स्लीव आर्म होल भी चेंज हो जाएगा, तो आप तभी तो आपको ये सब कुछ आपको बराबर आएगा, ये अटैच करने के समय आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। एंड उसके बाद जो बैक शोल्डर फ्रंट शोल्डर है यहाँ पर ही हम
फिक्स करेंगे, तो इसमें भी अगर आपको चेंजेस करना है तो कर सकते हैं, पर मोस्टली ये चेंजेस करने के लिए हम रेकमेंड नहीं करते हैं। तो अगर आप अगर चेंजेस कर दें तो ये मेजरमेंट स्ट्रेट हो जाएगा, तब आपको शोल्डर ड्रॉप हो जाएगा, तो इसलिए आप इसको चेंजेस मत करना जी। ओके, तो यही सब कुछ डिटेल है। हम इसको डिफॉल्ट चेंज करने के लिए कोई ऑप्शंस नहीं है, तो अगर आपको कस्टमर के साथ कुछ मेजरमेंट डिफॉल्ट से ऊपर आ रहा है आर्म राउंड, तभी आपको यहाँ पर आर्म राउंड की टाइप करने की जरूरत पड़ेगी, वही तो हमारी नेक ड्रॉप भी ज्यादा हो तो, नहीं तो आप इसमें कुछ डिस्टर्ब नहीं करना है। एज यूजुअल हमारे सॉफ्टवेयर में जो आ रहा है आप उसको भी प्रोसीड कर सकते हैं। एंड उसके बाद जो फ्रंट डिस्टेंस है, ये सब कुछ फ्रंट का है। अगर ये फ्रंट हिप डिस्टेंस है, मेरे पास 1.75 आ रहा है, मुझे नहीं 2.5 चाहिए करके आप यहाँ पर अपडेट करेंगे तो ये मेजरमेंट चेंज हो जाएगा। और ये जो डार्ट की मेजरमेंट है, मेरे पास 3 चाहिए, तो आपको ये 3 एडजस्ट हो जाएगा। ओके जी, तो आपका जो डिस्टेंस पड़ेगा यहाँ पर, ये दोनों ऑप्शन आप चेंज करेंगे तो चेंज हो जाएंगे। पर ये भी मैंने पहले ही बोला था है ना, चेंज करने का जरूरत नहीं पड़ती। हमारे सॉफ्टवेयर में एक एक बॉडी लूज को कैसे आना है करके फिक्स करके रखे, तो उसके हिसाब से आपको जाएंगे तो कुछ दिक्कत नहीं आएगा। तो आप ये मेजरमेंट को यूज कर सकते हैं। मैं जो आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ वो तो आपको फुल एंड फुल नॉलेज के लिए, जो पैटर्न कैसे बनाया है, तो पैटर्न में कुछ चेंजेस करना है तो कैसे करना है करके मालूम के लिए, तो ओनली फॉर नॉलेज के लिए नहीं मैं आपको सबको बता रहा हूँ। पर आप चेंजेस करने से पहले एक दो बार ट्रायल लेने के बाद आप ट्रायल कर लीजिए। ये डॉट हाइट देख लीजिए यहाँ पर, ये डॉट हाइट, ये अभी आपको मैंने चेंज करना है तो चेंज कर सकते हैं। अगर कुछ चीज़ें आपको डिफॉल्ट में चेंज करना है तो हम अपना कंपनी की स्टाफ आपको डिफॉल्ट सेटिंग करके दे सकते हैं, डॉट हाइट, डॉट विड्थ, सब कुछ। तो कुछ चीज़ें यहाँ पर आर्म राउंड जो है वो सब आपको फिक्सर रहते हैं, तो अगर आर्म राउंड के साथ साथ बॉडी आर्म होल एंड स्लीव आर्म होल मैच हो जाएंगे, तो मुझे नहीं मुझे ये आर्म होल इसके लिए चाहिए, तो आप अलग से चेंज कर सकते हैं। और जो डार्ट विथ आप देख सकते हैं आपकी सेंटर चेस्ट एंड वेस्ट के साथ साथ आपको वो डिफरेंस क्या आ रहा है उसके हिसाब से 1/4 ऑफ द मेजरमेंट इज द डॉट विथ। सो 1/4 मेजरमेंट आपको डॉट विथ यहाँ पर आएगा। अगर आपको ये चेंजेस कर रहे हैं तो ये बेल्ट पीस भी आपको बढ़ जाएगा। ओके, सो ये जो शेप है उसके साथ साथ वो भी बढ़ जाएगा। एंड मेन पोर्शन जो है, आपको ये चेंजेस करने के लिए कंपनी रिकमेंड नहीं करता है, क्योंकि अगर ये आपको ऐसे कर दिया तो ये जो मेजरमेंट है वो आपको पट्टी को बेल्ट में सेट नहीं होगा। एंड उसके बाद ये फ्रंट हुक साइड, ये फ्रंट और बैक बेल्ट के साथ अटैच करने में डिफरेंस जो है वो मैं बता रहा हूँ अभी। तो आपको इधर देख सकते हैं 4.5 इंचेस बेल्ट हाइट है, तो उसके हिसाब से जो आर्म पोर्शन है ये बैक के हिसाब से आपको आ जाएगा, इसमें चेंजेस नहीं करना पड़ता है। और अगर आपको कुछ चेंजेस करना है तो यहाँ पर कर सकते हैं हुक साइड की डिस्टेंस, हुक साइड डिस्टेंस मुझे चेंज करना है तो ऐसे चेंज हो सकते हैं। मैं मेजर डिफरेंस दिखाने के लिए ज़्यादा बड़ा किया है, पर इतना बड़ा रेकमेंड नहीं करते हैं। मामूली आपको 3.5 आएगा तो आप देख लीजिए इतना आएगा, तो इससे प्लस और माइनस 0.5 करने का रेकमेंड करते हैं बस। ओके, तो 3 इंच करना है तो 3 इंच कर सकते हैं, अगर 3.5 से 4 करना है तो 4 कर सकते हैं, बस यही मैक्सिमम रेकमेंडेड है। तो बेल्ट जो पीस है, बेल्ट आपको बैक के साथ और फ्रंट पॉइंट सेंटर के साथ आपको आ जाएंगे। नहीं, मेरा कस्टमर को जो ये बड़ा लगता है, मुझे 3 इंच का बेल्ट चाहिए या 4 इंच का बेल्ट चाहिए, मतलब यहाँ पर हम चेंज कर सकते हैं, तो आपको उसके हिसाब से ये भी बढ़ जाएगा। ओके, तो फ्रंट और बेल्ट पोर्शन एक साथ वर्क करेंगे, जब तो आपको जो डिफरेंस दिख रहा है वो आपको मैच हो जाएगा। अगर मेरा सेटिंग जो है, ये देख लीजिए हमारी पट्टी हाइट 4.5 है, तो अगर नहीं मुझे मेरा पॉइंट सेंटर के हिसाब से मेरा लेंथ ज़्यादा नहीं, मेजरमेंट तो कुछ भी हो सकते हैं, अगर मैंने कुछ चेंजेस किया तो कैसे आएगा करके बताता हूँ बस। ओके,
तो मेरा जो मिनिमम बिल रहता है वो हमने डिफॉल्ट सेटिंग कर सकते हैं। अपने जो सॉफ्टवेयर है मैं वो 3 इंच का है। ओके, अगर आप जितने भी बड़े मेजरमेंट दिए हैं पॉइंट सेंटर और मेजरमेंट की, ये 14 है, यहाँ पर मैं 12 दे रहा हूँ, तो 2 ही इंच डिफरेंट रहेगा वो, उसके बाद डॉट भी आ जाएगा तो वो बड़ा ही दिखता है ना। तो जब भी तो 12 इंचेस मेजरमेंट नहीं आएगा, आप एक बार मेजरमेंट को रीचेक कर दीजिए, मेजरमेंट मेथड में मैंने जो बताया, तो आप देख लीजिए यहाँ पर 3 इंच का स्टैंडर्ड बेल्ट आएगा। उसके बाद जो अगर आते हैं वो बड़ा ही आएगा, पर ये जो मेजरमेंट मिनिमम मेजरमेंट क्या होता है 3 इंचेस हो जाएगा। सो 3 से कम पट्टी नहीं निकलेगा अपन को। ओके जी, तो मैंने अभी डॉट ब्लाउज ऑप्शन के आर्म राउंड के बारे में बता दिया, उसके बाद नेक विड्थ के बारे में बताता हूँ, आप वीडियोस को चेक कर दीजिए। थैंक यू।